नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क। और कल शाम को हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा, 6 साल का मासूम बच्चा ध्रुव शर्मा जिसका नाम था, उसकी गट्टू डोर की वजह से जो है मौत हो गई थी। हालांकि जब उसके गले में गट्टू डोर लगी, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उसका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया, उस दर्द को नहीं सह पाया और हम सबको अलविदा कह के इस दुनिया से चला गया। इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त मैं ध्रुव शर्मा के जो है घर के बाहर ही खड़ा हूँ। ये पिछला गेट जो है, ये गेट ध्रुव, यहीं पे ध्रुव शर्मा रहता था। और अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर के जो हालात थे बहुत पीड़ादायक थे, बहुत खामोशी थी, टोटल खामोशी, पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वो घर जहाँ पर ध्रुव शर्मा की जो है किल का हंसी गूंजती थी, वहाँ उसका शोर होता था, आज वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा था। और सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि आखिर ध्रुव शर्मा की मौत के लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाए? क्या ध्रुव शर्मा की मौत के लिए उन दुकानदारों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए जो गट्टू डोर को रखते हैं, या फिर उन लोगों को ज़िम्मेवार ठहराया जाए जो धड़ल्ले से गट्टू डोर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उस एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या बोलूँ, शब्द नहीं मिल पा रहे बोलने के लिए, बट कहीं ना कहीं कि शायद अगर बात करें उस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं इस मामले में उसी तरफ से बराबर की भागीदार है जिस प्रकार से वो लोग जिन्होंने गट्टू डोर इस्तेमाल की, वो लोग जिन्होंने गट्टू डोर बेची। और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसलिए ज़िम्मेवार है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से एक ऑर्डर तो निकाल दिया लेकिन उस पर चेक नहीं रख पाई, और दुकानदारों ने धड़ल्ले से ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए उस गट्टू डोर को बेचा, जिसका परिणाम हमें कल देखने को मिला, जहाँ पर ध्रुव शर्मा, एक 6 साल का छोटा सा बच्चा, उसकी मौत हो गई। बहरहाल अभी हम अंदर आपको नहीं लेकर जा सकते क्योंकि अंदर जब हम गए तो वहाँ पर परिवार वालों की जो हालत थी बहुत दुखदाई थी, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, सिर्फ शांति ही शांति थी। अगर मैं ध्रुव के पिताजी की बात करूँ तो उन पर वही जानते हैं क्या बीत रही है, लेकिन उनकी भी तबीयत कह रहे हैं कि ठीक नहीं थी, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें भी सदमा लगा है ध्रुव की मौत का। अगर उनकी ध्रुव की मदर की मैं बात करूं तो उनके हाथ में भी कट लगा था, उनका भी आज ऑपरेशन है और उन्हें भी ऑपरेशन के लिए, उनके हाथ का भी ऑपरेशन होगा क्योंकि उन्होंने भी उस धागे से ध्रुव को बचाने के लिए अपने हाथ में उस गट्टू धागे को, उस कातिल धागे को अपने हाथ में पकड़ लिया था। पर किस्मत के आगे किसकी चलती है और उनकी भी नहीं चली, भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की भी नहीं चलती। उनकी माँ ने बहुत कोशिश की कि बेटा बच जाए, बाप ने भी बहुत कोशिश की कि उसका बच्चा बच जाए, लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती और ध्रुव शर्मा हम सबको छोड़ के चला गया। लेकिन अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी इनके घर पर नहीं आया, आएंगे भी कैसे? कहीं ना कहीं असली जिम्मेवारी भी एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है जिन्होंने उन कागजातों पर साइन कर दिया, उस ऑर्डर बैन पे साइन कर दिया कि हाँ जी गट्टू को बैन कर दिया गया है, लेकिन उस पर चेक नहीं रख पाए। क्योंकि अगर चेक रखा होता और लोगों पर कार्रवाई की होती जो गट्टू डोर खरीद रहे थे या बेच रहे थे या जो गट्टू डोर इस्तेमाल कर रहे थे, अगर उन पर कार्रवाई हुई होती तो शायद आज ध्रुव हमारे बीच होता और शायद हम उसके साथ यहाँ पर खड़े होकर उससे बात कर रहे होते। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं आया है और ये चीज़ दर्शाती है कि सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है ज़िम्मेवार है, वो लोग भी ज़िम्मेवार हैं जिन्होंने गट्टू डोर का इस्तेमाल किया,
वो दुकानदार भी जिम्मेवार है जिन्होंने गट्टू डोर का इस्तेमाल किया। बट सवाल ये हो उठता है, क्या ध्रुव शर्मा को इंसाफ मिल पाएगा? क्या आप लोग आगे आकर ध्रुव शर्मा को इंसाफ देंगे? क्या एडमिनिस्ट्रेशन से ध्रुव शर्मा को इंसाफ मिल पाएगा? क्या उन दुकानदार जो हैं वो ध्रुव शर्मा को इंसाफ दिला पाएंगे? अगर आप ध्रुव शर्मा को इंसाफ ही दिलाना चाहते हैं तो कृपया करके, अगर आपके घरों में गट्टू डोर पड़ी है या आपकी दुकानों में गट्टू डोर पड़ी है तो कृपया करके उस गट्टू डोर को जो है फेंक दीजिए। ये गट्टू डोर किसी भी परिवार का दीपक बुझाना बुझा सकती है। भगवान ना करे इसमें हो सकता है आप में से भी किसी का परिवार हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि अब जन्माष्टमी भी नज़दीक आ रही है तो ऐसे में किसी और की जन्माष्टमी फीकी ना हो जाए। जिस प्रकार से इस परिवार की रक्षाबंधन जो है वो फीका पड़ गया, उस तरह से किसी और का जन्माष्टमी का त्यौहार फीका ना पड़ जाए। इसलिए गट्टू डोर से हाय तौबा कीजिए, गट्टू डोर का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। अगर कहीं आपको दिखता है कोई गट्टू डोर बेचता हुआ, कोई इस्तेमाल करता हुआ दिखता है, उसकी कंप्लेंट करें अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। और उन पुलिस वालों से भी अपील है कि कृपया करके इस मामले की जो है इसे इसका कृपया करके संज्ञान लें। और ऐसे तत्व, और ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहूँगा कि, और पुलिस से सबसे ऐसा कहना चाहूँगा, ऐसे तत्व जो गट्टू डोर को बेचते हैं, जो खरीदते हैं, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे वो लोग जो इस प्रकार के ऑर्डर निकालते हैं कि गट्टू बैन कर दिया जाएगा, लेकिन होता ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है, उन लोगों के खिलाफ़ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो गट्टू डोर बेचते हैं, यूज़ करते हैं, उनके खिलाफ़ भी कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि दोबारा कोई और बच्चा जो है उसकी ध्रुव शर्मा की तरह मौत ना हो और उसके परिवार की तरह कोई और ऐसा परिवार ना बन जाए। बहरहाल बोलने को तो बहुत कुछ था बट बोला नहीं जा रहा इस वक्त। बहुत तकलीफ़ होती है जब इस प्रकार का माहौल होता है, बहुत दुख होता है जब किसी परिवार से एक छोटा सा बच्चा चला जाता है। हम सबके लिए कोई फ़र्क नहीं है, आप सबके लिए कोई फ़र्क नहीं है। आप लोग हफ्ते 10 दिन के बाद इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन ध्रुव के माता पिता वो पूरी उम्र इस बात को नहीं भूल पाएंगे कि उनका बच्चा जो है रेत की तरह उनकी मुट्ठी से फिसल कर निकल गया। कहीं ना कहीं पूरी उम्र उनके लिए दुख जो है पूरी उम्र का रहेगा। बहरहाल मैं लेता हूँ आपसे यहाँ से इजाज़त। आप देखते रहें द फोर्थ स्ट्रीट न्यूज़।